ज्यादा ही लॉकडाउन है यार। मैं और एलेक्सा एक दूसरे से बड़बड़ करते रहते हैं। एलेक्सा पागल नहीं हुई लेकिन मैं डेफिनेटली हो गया हूं। काफी दिनों इससे बात की हो गई, पता नहीं क्या कभी होगी। सोच रहा हूं कॉल कर दूं। जब भी हमारा झगड़ा होता है पीछे ऐसी हो जाती है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तुम्हारा क्या है, बस सॉरी बोल दोगे हो गया। चैलेंज लगा सकती हूँ मैं, एक बार भी तुमने मुझे फोन नहीं किया, मनाया नहीं मुझे। तकलीफ तो मुझे ही होती है। सोचना क्या बेटा, कॉल कर लेगी, किसी की याद आती है कॉल कर लेगी। हाय मर जाएंगे मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, फोन लगाओ। याद काफी आ रही है उसकी यार। मिस कर रहे हो मुझे, सॉरी बोलना था। लिखा भी नहीं जा रहा है कुछ भी, ऐसा फंस चुका हूँ लॉकडाउन में, समझ के बाहर ही है। वैसे ये करिश्मा तो पहली बार हुआ है लाइफ में हमारे। तो बनता है कर लेती। मिस कॉल दिया था? मैं कब दिया था मिस कॉल? तुम्हारा मिस कॉल आया था। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तुमको मिस कॉल आया था वापस भेज दो मिस कॉल को। बकवास मत करो, झगड़ा करके मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? अच्छा सुन, एक मिनट मुझे हैंड्स फ्री लगा दो। एक मिनट। देखो बच्चे नहीं, देखो छोटे बच्चे नहीं रहे तुम, बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी समझा करो। और तुम्हारा वो ये पेटेंट डायलॉग ना, इतने सालों से हर महीने एक या दो बार तो सुनाती रहती हो, कुछ वेरिएशंस लाओ, कुछ चेंजेस लाओ, यू नो, एक 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 ठहराव सा आ जाता है सुन के। देखो बच्चे नहीं रहे तुम, बड़े हो चुके हो, कुछ अलग बोलो। मैं आपकी तरह राइटर नहीं हूं, ठीक है? तुमने किया था ना फोन, तो मैंने नहीं किया, बोलो। फोन मैंने नहीं, आपने किया था। मिस कॉल आया था तुम्हें, तुम्हारे मोबाइल पे मिस कॉल आया था मेरे फोन से, राइट? तो वापस भेज दो ना फिर, कितनी बार बोलूं, भेजो वापस मिस कॉल को। इतना तुम एक्स्ट्रा मेल क्यों कवर कर रही हो आज के बाद ना मुझसे बात? हाँ एक मिनट, ये बात मत करना मुझसे। हाँ बात मत करना मुझसे, इसको भी चेंज कर दो, मतलब डायलॉग चेंज कर दो। ये भी काफी सालों से हर महीने चलता आ रहा है, तो इसको भी चेंज कर दो। अच्छा अब गुस्सा मत करना यार प्लीज। अब तुम सिखाओगे मुझे क्या करना चाहिए? हाँ आप महारानी तो बहुत बिजी हो, फोन तो करोगे नहीं, मार ही डालोगे तुम। काश मैं वहां होता। नहीं सीरियसली, काश मैं तेरे पास होता, तुझे बाहों में लेता और तेरा गला दबा देता।
और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? मैं फर्स्ट क्लास। फिट तो नहीं हूँ, फाइन हूँ। काफी मोटा हो रहा हूँ यार। सिगरेट कितनी थी? हाँ, सिगरेट किधर है? नहीं है सिगरेट, नहीं है। नहीं 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 really? पागल है कि इधर स्टॉक नहीं मिल रहा है, सिगरेट कहाँ से पीऊंगा? कल तो नौबत यह आ गई थी, बिल्डिंग का वॉचमैन है ना, उसे लेके बीड़ी पी रहा था। आई डोंट बिलीव दिस। चलो इसी बहाने कुछ तो कंट्रोल में आया। और नहीं तो क्या? नहीं यार। अच्छा सुनना। बोलो ना। तुमसे एक बात कह रही थी, मतलब एक बात पूछ रही थी तुमसे। नहीं मतलब काफी दिनों से ऐसे एक ख्याल आ रहा था तुमसे बात पूछूं। सीरियसली तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? हाँ मतलब तुम खुश हो ना? ओहो क्या बात है। I mean, तुम ठीक हो ना? अरे ओके ना, अब पूछ रहा हूँ ना। अच्छा तो मुझे पहले ये बताओ, लास्ट टाइम ये सवाल तुमने कितने सालों पहले पूछा था मुझे, बताओ। तो कल का क्यों कुरेद रही हो यार, अब पूछ रहा, बता दो। ओके बाबा ओके, गुस्सा मत होना, शांत हो जाओ पहले। हाँ भाई वही वही पूछ रहा था मैं तुमसे कि तुम खुश हो ना? मैं ठीक हूँ और खुश भी हूँ, और अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। हाँ गुस्सा भी होती हूँ मैं तुमसे, इतना तो हक पड़ता है ना मेरा। अच्छा पहले ये बताओ मुझे, अभी भी तुम्हारे हाथ में सिगरेट है ना? गिर जान दो। अरे कम से कम झूठ तो ठीक से बोलना सीखो ना। आजकल एकदम घर पूरा चकाचक होता रहेगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? बालकनी, गार्डन पूरा एकदम साफ सफाई, एकदम चकाचक, और किसी की तो विंडो शॉपिंग तो बंद ही हुई होगी आजकल, लॉकडाउन से चल रहा है। देखो मॉल में जाना कोई बुरी बात नहीं है, विंडो शॉपिंग तो करती हूँ, अरे चीजों की जानकारी मिलती है मुझे, पैसे भी बचाती हूँ मैं। अच्छा ये बताओ तुम अपने खाने के बारे में क्या कहते हो? खाना खाता हूँ, खाना बना भी लेता हूँ। मेरी याद आती होगी ना? नहीं मतलब मैं तुम्हें आज भी अपने साथ महसूस करता हूँ यार, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे खाने की याद आती है? हाँ तुम्हारे खाने की याद जरूर आती है, काफी दिन हुए तुम्हारे हाथ की लहसुन की चटनी और रोटी नहीं खाई, खिला देना कभी, मैडम का मूड रहेगा तभी। I'm so worried for you, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे I am also worried, you know, I am also worried. घर की चीजें घिस घिस के कहीं दिन जीनी बाहर निकला तो तुम भी ना तो अच्छा लग रहा है आज, कितने दिनों के बाद इतना हंस के बात कर रहे हैं मोबाइल पे, है ना? लैंडलाइन पे कॉल करूं? कोई जरूरत नहीं है लैंडलाइन में फोन करने की। एक सेकेंड बाबा, कॉफी पीने वाली थी, तुम्हारे चक्कर में ना बनाना ही भूल गई। अब मैं टेरेस पे जा रही हूँ, वहां पे बैठ के बात करते। एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड को बात करनी थी तुमसे, शी इज अंडरगोइंग अ सेपरेशन। So, what can I do? हो जान दो सेपरेट, दिया विश। कभी तो सीरियस हुआ करो ना तुम। मैंने उसे बोला था कि तुमसे कोई सजेशन ले ले। Maybe you could help us save a marriage. उनकी जिंदगी का सवाल है। उनका डिसीजन है। जब दो लोग मिलते हैं, तो वो खुद डिसाइड करते हैं साथ में आने का, राइट?
तो जब अलग होना होता है तो दूसरों को पूछने की जरूरत क्या है? Then them decided. और कोई डिसीजन सही या गलत नहीं होता, ठीक है? You don't poke your nose in between. इसका मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगे ना? और ये दोस्त लोग ऐसे वक्त पे बाबा का रूप धारण कर देते हैं। क्यों? फुकट का ज्ञान ही तो देना होता है। ज्ञानी बन जाते हैं। अरे जिस पे बीतती है उसी को पता है कि उसके मन के भीतर क्या चल रहा है, राइट? तुम एक मुझे बात बताओ, चलो तुम्हारे लिए प्यार क्या है? प्यार बता। प्यार मतलब लव है, प्यारी तो है। डेफिनेशन नहीं पता ना, सही है। अरे क्योंकि प्यार में कोई डेफिनेशन ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, हम लोग मतलब मैं और तुम एक दूसरे से इतना झगड़ते हैं, बहस करते हैं, नाराजगी रहती है, राइट? फिर भी हमें एक दूसरे की फिक्र है, राइट? क्यों? क्योंकि प्यार है। क्योंकि प्यार का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, इसे महसूस किया जाता है मैडम। अरे बाबा वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे दोस्त के प्यार के दिए को बुझने से बचाना है हमें। नहीं एक मिनट मुझे एक बात बताओ, प्यार उनका, दिया उनका, जलाना बुझाना उनकी जिम्मेदारी, तुम्हें क्यों इतनी पड़ी है यार? I'm really worried for her, यार। Best friend है वो मेरी। तुम दोस्त हो ना तो दोस्ती बन के रहो ना, ज्ञान क्यों बांट रही हो उसको? मालूम पड़ा तुम उनके दिए में जो तेल डालते हो ना, घासलेट निकला। It's their life, baby. Let them decide. उनकी जिंदगी का सवाल है। अगर तुम्हारे दोस्त उससे प्यार करती है तो she will not live him. झगड़े होते हैं, नोकझोंक होती है, तो obviously yeah, they will come together. And what if he leaves her? Simple है. That means he is not loving her. देखो मेरा ये पर्सनली मानना है, ठीक है, If someone loves you, अगर आपसे कोई प्यार करता है और आप उनसे प्यार करते हो तो you both are the luckiest couple in this world. आप बहुत खुशनसीब हो। अगर मान के चलो you know, एक तरफा प्यार है, then it will not work, right? So you can't force anyone to love you, man. But obvious. और हाँ वो साबुन की दिया थोड़ी ना है कि घिस घिस के पिघल जाएगी, है ना? ये साबुन वाला टॉन था ना? हाँ मेरी जान, मेरी सफाई की मूरत, मेरी सफाई की महारानी, सफाई की पुजारन, साबुन ही बोला था मैंने। प्यार तो काफी है। You know what? अच्छा सुनो, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। ओ। काम कर लेती हूँ, चलो ठीक है, बाय बाय बाय। Love you too. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Missy must be bad. I'm a bachcha. Apna khayal rakhna, okay? I miss you. I'm missing her so much.
फासले ये दूरी मेरा बदल जाए, प्यार कहीं इश्क मेरा बदल जाए। हाय हाय, कमिंग बैक बेबी। हस्ता ला विस्ता। Yeah.